agriculture land and productivity in pakistan pakistan has a comparative advantage in agricultural in the production of agricultural output because of rich endowment of natural resources When we a rich endowment of natural resources so pakistan may have different regions are different regions have capacity to produce different kinds of agricultural output aapke paas, pe certain regions hai, ट कैन प्रोड्यूस कॉटन और फिर पाकिस्तानी में सर्टन रीजन है दैट कैन प्रोड्यूस शुगर केन एंड देर आर सर्टन रीजन दैट कैन मेक प्रोडक्शन ऑफ राइस इन एंड एफिशियंट मैनर और ये जो आप कह लें फिर इसी पैटर्न पर अगर हम बात करें कि देर आर सर्टन रीजनस दैट कैन प्रोड्यूस फ्रूट्स एफिशेंटली और मुमकिन है जो फ्रूट्स आप कह लें आपके हिली एरियाज में प्रोडक्शन हो रही है दोज प्रोड्यूज फ्रूट कैनोट बी प्रोड्यूस इन यूर प्लेन एरियाज के मैदानी इलाकों में उनकी प्रोडक्शन ही ना हो फिर इसी पैटर्न पर अगर हम इरीगेशन सिस्टम की बात करें पाकिस्तान की तो दिसगे क्या है देर आर इट इज देर आर देर इज देर आर नेटवर्क ऑफ रिवर्स बराजे एंड कैनाल्स दैट मेक अप द इंडस बेसन इरीगेशन सिस्टम और इसी आप फिर इस यहीं पर आप कह लें वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थन डैम तरबेला डैम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इरीगेशन सिस्टम और यहाँ पे जो आप कह रही जो तरबेला डैम है दिस इज द सोर्स ऑफ इरीगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान जब आप पाकिस्तान पाकिस्तान एग्रीकल्चर फेसेस सर्टन चैलेंजेस उनमें जो मेजर चैलेंज है आजकल के टाइम पीरियड में दैट इज दाटर स्केयर सिटी when water is scarce because of that scarcity of water there is low input usage ke jab aap production function ki baat karte ho wahan pe land labor capital entrepreneurship aur is production function mein water is a key factor without water it is not possible to produce output. फिर हमने इसलिए आप कह लें हम कई दफ़ा आपकी जो cultivable गल्टिवे, area एरिया है हम उसको कैटेगराइज करते हैं एरेट एग्रीकल्चरल लैंड नॉन एर एग्रीकल्चरल लैंड जिसे आप इरीगेटेड वाटर से वाटर नहीं मिल रहा तो हम उसको कह रहे हैं that is the land. वो बरानी जमीन है आप लोगों के पास अगर वहां पर आप कह लें इफ देर इज अ वाटर स्केरसिटी तो इट रिजल्ट इन लो इनपुट यूजेज दैट आर रिक्वायर टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑप्टीमली जब आप इनपुट यूजेज आप ऑप्टीमली यूज नहीं करोगे उसके साथ साथ यहां पर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सिस जब हम कहते हैं देर इज डिक्रीज इन दर्टिलिटी लेवल ऑफ दॉयल तो बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज इन दर्टिलिटी ऑफ सॉइल देर इज डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट जब हम पाकिस्तान के लैंड एरिया की बात करें तो इट इज लोकेटेड इन सेमी एरिड टू एरिड एग्री एग्रोक्लाइमेटिक जोन और ये जो एरिया है आप कहें ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं नाइनटी टू परसेंट ऑफ कंट्रीज एरिया जब आपके मेजर कंस्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करोगे तो यहाँ पे जो मेजर कंस्टेंट है with, with अब यहां पर रिसोर्सेज में क्या होंगे आपके पास जो जो भी रिसोर्सिस रिक्वाड टू मेक प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट देयर इज लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज और ये लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज वो फार्मर जो आपके पास सब्सिस्टेंस फार्मर्स हैं उनको आप कह लें ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं एज कंपेयर टू लार्ज फार्मर्स देव नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट उनको टाइमली आप कह लें फर्टिलाइजर्स नहीं मिल रहे उनको आप कह लें गुड क्वालिटी ऑफ सीड नहीं मिल रहा तो ये सब क्या कर रहे है इट क्रिएट डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट फिर यहां पे जो आपका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि रोड नेटवर्क प्रॉपर नहीं है दैट कैन ट्रांसफर एग्रीकल्चर आउटपुट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इट आल्सो क्रिएट अ कंस्ट्रेंट इन द इन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर फिर ओवर टाइम क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है आपकी लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है वाटर स्कर्सिटी के भी इश्यूज हैं तो ये सब क्या है इट क्रिएट्स कंस्ट्रेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट अब जो आप कह लें in तो कि देयर इज लो पोटेंशियल इन द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एकज क्योंकि जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबल थी वो सारी तो यूज हो रही है टू कैरी आउट द प्रोडक्शन अब यहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे इनहांस किया जाए तो इसके लिए आप कह लें यूजुअली द प्रैक्टिस दैट इज बीइंग यूज्ड इज द इंटेंसिफिकेशन ऑन एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल लैंड मल्टीपल क्रॉप्स टिंग फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड। जब वो मल्टीपल क्रॉप ली जा रही हैं, तो अगेन क्या हो रहा है इट क्रिएट प्रॉब्लम फर्टिलिटी ऑफ दॉइल फिर जब आप बात करते हो एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देयर इज लार्ज गैप बिटवीन द पोटेंशियल जील्ड एंड अचीवेबल जील्ड कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में आप एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे यूल्ड ले रहे हो और जो आपके पास प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो यील्ड कर रहे हैं ले रहे हैं उसमें आप कह लें बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है सो देर इज अ नीड टू पुट एफर्ट टू डिक्रीज दिस गैप बिटवीन पोटेंशियल यील्ड एंड अचीवेबल यील्ड और इसके बाद आप कह लें जब आप नेशनल एवरेज यील्ड की बात करोगे तो वो इस आप कह लें इस अचीवेबल यील्ड से भी कुछ कम में ऐसा क्यों है कि जब आप नेशनल यील्ड की बात करोगे यहाँ पे आपके पास स्मॉल फार्मर्स भी आएंगे यहाँ पे आपके पास सबसिस्टेंस फार्मर्स भी आएंगे और उनकी यील्ड आप कह लें जो आपके पास प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनसे भी कुछ बड़ा सिग्निफिकेंटली कम होगी और ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड्स दी लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर एक और चीज आप जो यहां पे हम ऑब्जर्व कर सकते हो कि देयर इज हाई वेरिबिलिटी

डिफरेंस इन द एग्रीकल्चर आउटपुट दैट इज बिंग प्रोड्यूस्ड एक एरिया आप कह लें फिट होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट अगर मैं यू बात कर लूँ तो एन अदर एरिया इज माइट भी सुटेबल टू मेक प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप कुछ इस तरह बात कर लें कि जी कॉटन आप ग्रो कर सकते हो पंजाब में सिंध में बट कॉटन जो है इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन बलुचिस्तान फिर इसी पैटर्न पे जब मैं सॉइल क्वालिटी की बात करता हूं तो देयर इज हाई वेरिबिलिटी इन दी सॉइल क्वालिटी आपके पास बड़े फर्टाइल लैंड्स भी हैं और आपके पास डेजर्ट लेस फर्टाइल लैंड्स भी अवेलेबल है अब जब उनकी फर्टिलिटी में डिफरेंस आएगा तो ये क्या होगा इट आल्सो रिजल्ट्स इन वेरिबिलिटी इन यील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट फिर जो आपके पास लैंड होल्डिंग्स हैं कि स्मॉल फार्मर्स भी हैं लार्ज फार्मर्स भी हैं बिकॉज ऑफ दैट वेरिबिलिटी इन लैंड होल्डिंग्स इट आल्सो रिजल्ट्स इन डिफरेंस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी फिर जब हम बात करते हैं लैंड न्यूयॉर्क की तो यहां पे भी कुछ वेरिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी उस वेरिबिलिटी की वजह से क्या होगा देर इज वेरिबिलिटी इन यील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट फिर आपकी जो इनपुट एंड आउटपुट मार्केट हैं इट आल्सो हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन दी ल्चरल आउटपुट आपके पास आप कह लें एक ही आउटपुट और इन मार्केट्स में क्या है देर इज डिफरेंस इन द प्राइसेसुट और जब यहां पर डिफरेंस हो गए इन द प्राइसेज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इन द मार्ट ऑफ एग्रीकल्चर कल्चरल आउटपुट एंड एग्रीकल्चरल इनपुट के लिए तो इट आल्सो रिजल्ट इन वेरिएशन इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी फिर जो आपके पास एक्सेस टू पब्लिक सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इट आल्सो हैव इम्पैक्ट ऑन ऑन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कि जिस जगह पे आपके पास प्रॉपर पब्लिक सर्विसेज अवेलेबल है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली डेवलप्ड है तो वहां पे आप कह लें एग्री प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर बेटर एरियाज वेयर प्रोविजन ऑफ द पब्लिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज पोअरली मैनेज्ड अब जब आप पब्लिक सर्विसेज की बात करते हो तो यहां पे पब्लिक सर्विसेज आएंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज यहां पे आप जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो तो हम यहां पे बात करते हैं विद रेफरेंस टू रोड नेटवर्क ये सारी चीजें या इलेक्ट्रिसिटी जो भी आप बात कर लो वो सारे फैक्ट वेरिएबल्स दैट लाई अंडर दी सबेडिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर पब्लिक सर्विस सर्विसेज रिजल्ट इन बेटर जील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट